इनके लब रंगी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल है, आईडी पे इनका नाम नहीं लिखा हुआ, कॉमन सवाल है, काफ़ी पेश आता है। पूछना ये चाहते हैं कि अगर कोई शख्स बेड पे या चरपाई पे लेटा बैठा है और उसी बेड के नीचे अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो क्या उसकी नमाज़ होगी। और इसी तरह कुरान पढ़ने के ताल्लुक से भी सवाल आता है कि अगर बेड पर कोई शख्स बैठा हो तो वहाँ नीचे बैठकर कुरान पढ़ेंगे तो क्या उसमें गुनाह होगा या नहीं होगा। नमाज के ताल्लुक से अर्ज़ ये है कि अगर नमाजी बेड के दाएं या बाएं या आगे की तरफ नमाज़ पढ़ रहा है तो बेड पे बैठे लेटे आदमी से नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी। मसलन ये कि बेड पर बच्चे लेटे हैं या कोई सो रहा है और नमाजी बराबर में दाएं या बाएं बेड या चरपाई की नमाज़ पढ़ रहा है तो इसमें कोई कराहत वाली बात नहीं है। इसी तरह अगर नमाजी बेड के आगे है यानी बेड उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसमें बच्चे लेटे बैठे हैं तो भी उसमें कोई कराहत नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अगर नमाजी के आगे बेड है यानी नमाजी बेड के पैताने की तरफ है कि अगर वो सजदा करेगा तो उसके सामने बेड होगा तो ऐसी सूरत में बेड पर बैठा हुआ शख्स का चेहरा नमाजी की तरफ नहीं होना चाहिए, यानी जिसको फेस टू फेस होना कहते हैं, जिस तरह आईने के आगे खड़े होते हैं कि चेहरे के आगे चेहरा हो, तो अगर इस तरह से बेड के ऊपर बैठे हुए शख्स का चेहरा नमाजी के चेहरे की तरफ होगा तो इस सूरत में नमाज में कराहत होगी, इस तरह नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। तो ऐसी सूरत में चाहिए कि नमाजी थोड़ा हल्का दाएं या बाएं हो ताकि फ़ेस टू फेस बंदा ना हो, थोड़ा आगे पीछे हो जाए यानी दाएं बाएं हो जाए कि उसके चेहरे की सीध में सामने वाले का चेहरा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह बेड पर अगर नमाजी के सामने बेड है और वो पैताने की तरफ सजदा करेगा तो इस सूरत में इस बात से बचना चाहिए। और अगर उसमें ऐसा है कि नमाजी का चेहरा बेड पे दाएं या बाएं तरफ है और नमाजी के आगे बेड हो तो अगर चेहरा दाएं या बाएं है या फिर आगे की तरफ है और नमाजी की तरफ उसकी पीठ है तो भी नमाज में इससे कोई कराहत नहीं पैदा होगी। तो नमाजी का बस चेहरा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। बाकी दाएं बाएं और बेड अगर पीछे हो तो इससे नमाज में कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर कोई शख्स बेड पर लेटा हुआ है और उसके पैर जो है वो नमाजी की तरफ हैं यानी नमाजी बेड के पैताने की तरफ नमाज़ पढ़ रहा है, ये समझेंगे नमाजी के आगे की तरफ बेड बिछा हुआ है, नमाजी के आगे, और उस बेड पर कोई शख्स लेटा है और वो लेटा इस तरह है कि उसके पैर नमाजी की तरफ हैं तो ऐसी सूरत में भी नमाज में कोई कराहत नहीं होगी। लेकिन बेहतर यह है कि हल्का सा सीध में ना जा नमाज बिछाएं, थोड़ा दाएं कर लें या थोड़ा बाएं सरका लें ताकि सीध में होने से नमाज में ध्यान भटकने का अंदेशा रहता है। तो ये नमाज में ख्याल रखा जा सकता है। कुरान पाक पढ़ने के ताल्लुक से इसमें कोई कराहत नहीं है। अगर दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी बैठकर ज़मीन पर कोई कुरान पाक पढ़े और बराबर में बेड पर या चारपाई पर अगर कोई शख्स बैठा हुआ है तो उससे कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अलबत्ता इसमें इतना एहतियात रखना चाहिए कि जिस समत कुरान पाक पढ़ा जा रहा है यानी दाएं तरफ या बाएं तरफ, उस तरफ बेड पे बैठे हुए शख्स को पैर वगैरह नीचे नहीं लटकाने चाहिए कुरान पाक की तरफ। हाँ, अगर दाएं तरफ बैठकर कुरान पाक पढ़ा जा रहा है और कोई बाएं तरफ पैर लटका के बैठा है बेड पे तो भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। वरना बेहतर यह है कि अगर बेड पर जगह हो तो कुरान पाक पढ़ने वाले को किसी ऐसे कोने में काबे की तरफ चेहरा करके ऊपर की तरफ बैठना चाहिए कि जहाँ कुरान पाक के अदब का भी ख्याल रखा जा सके। और अगर घर में ऐसी सूरत है कि जहाँ वो नमाज़ पढ़ता है या पढ़ती है मुसल्ला बिछा के वो हिस्से ही में कुरान पढ़ना चाहते हैं और बेड थोड़ा दूर है और उस पर कोई बैठा है तो इससे कोई कुरान पाक में कराहत नहीं आएगी, किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा। तो इस तरह से जो है वो बेड पर बैठकर भी नमाज कुरान पाक पढ़ा जा सकता है और बेड के नीचे बैठकर कुरान पाक और नमाज भी अदा की जा सकती है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।